हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपको, ये मेरा नया वीडियो है, वो है ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में। तो कनाडा में ड्राइविंग लाइसेंस इजी है या हार्ड? तो मैं कहता हूँ कनाडा में ड्राइविंग लाइसेंस कोई इतना हार्ड नहीं है, वेरी सिंपल ही है। सबसे पहले तो आप इंडिया में हो और या तो पाकिस्तान में हो, तो अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है, सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ, अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो आप कनाडा आए लाइसेंस के बगैर, और फिर आप अपने कंप्यूटर टेस्ट यानी G1 देने के लिए आप गए, तो G1 पास किया, उसके बाद 9 महीने का वेट करना पड़ेगा, उसके बाद आप G2 दे सकेंगे। और G2 पास किया उसके बाद और 9 महीने का वेट करना पड़ेगा, उसके बाद आप जी दे सकेंगे। ऐसा कब है? जब आपके पास कोई लाइसेंस नहीं है, आपने कभी बैक होम में गाड़ी ना चलाई हो। अगर आपके पास लाइसेंस है, समझो अगर आपके पास लाइसेंस है और वो लेके आप यहाँ पे आए, तो आपने पहले G1 दिया, G1 के बाद तुरंत आप G2 दे सकते हो और उसके 9 महीने बाद जी दे सकोगे। लेकिन अगर आपके पास एक्सपीरियंस लेटर है, सबसे पहले मैं तो कहता हूँ आप आ रहे हो तो एक्सपीरियंस लेटर ले लो। अगर आपके पास एक्सपीरियंस लेटर होगा 3 साल का, वो वहाँ से लेके आएंगे, तो आपको G1 दिया और उसके बाद तुरंत G दे सकोगे। और मैंने पहले आपको बोला, अगर आपके पास कुछ ना होगा तो G1, इसके बाद 9 मंथ वेट करो, उसके बाद G2 दो, उसके बाद 9 मंथ और वेट करो, उसके बाद G2। तो इतने में आपको 2 ईयर लग जाएंगे, ये टाइम वेस्ट होगा। यहाँ पे हमें कार के बगैर ऐसा है, समझ लो अगर हमारे पास कार नहीं है तो समझ लो हमारे पैर ही नहीं है, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर -20, -25, इतने में बाहर निकलना इतनी ठंड में इतना मुश्किल है। तो मैं तो कहता हूँ जल्द से जल्द अगर आप आने वाले हो तो इस ये भी ले लो, ये लाइसेंस ले लो, एक्सपीरियंस लेटर ले लो और आप यहाँ आ जाओ। उसके बाद तो आपके लिए लाइफ थोड़ी इजी रहेगी, नहीं तो बस में आपको घूमना पड़ेगा। जिस जगह पे हमें कार में जाने के लिए 10-15 मिनट लगती है, वही जगह पे अगर आप बस में जाओगे तो आपको 1-1 घंटा लगेगा, 1.5-1.5 घंटा लगेगा। तो भाई ये इतना मुश्किल कोई है नहीं काम। अगर आप, मैं तो कहता हूँ अभी से पढ़ना चालू कर दो, अगर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो ओंटारियो G1 टेस्ट, या गूगल पे भी लिखोगे ओंटारियो G1 टेस्ट तब भी आएगा। वो कोई मुश्किल लाइसेंस नहीं है। मैंने भी यहाँ आके 7 महीने बाद लाइसेंस लिया था, तो भाई इतना कोई मुश्किल नहीं है। मैं तो कहता हूँ आप आके पहले ही महीने लाइसेंस ले लो। और अगर आप लोगों को ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में लिख के थैंक यू।